एक तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, कौन सा एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं इस मैच को लाइव स्ट्रीम, और कौन सा टीवी चैनल पे आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम, कितने बजे से खेला जाएगा, कहां पे खेला जाएगा, कौन प्लेइंग 11 में शामिल है और कौन प्लेइंग 11 से बाहर है, दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। रोहित शर्मा विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण की शुरुआत 7 जून से इंग्लैंड के अव्वल स्टेडियम पर इंडियन और ऑस्ट्रेलियन के बीच खेले जाने वाला है। ऐसे में आज होने वाले मुकाबले के लिए WTC 2023 का फाइनल मुकाबला किसी भी बुरी परिस्थिति के लिए एक दिन 12 जून को रिजर्व डे रखा गया है। अगर बारिश की वजह से मैच किसी तरह का रुकावट आने पर WTC का फाइनल मैच रिजर्व डे पर खेला जा सकता है, और ICC के रूल्स के अनुसार अगर मैच ड्रॉ पर खत्म होता है तो ट्रॉफी शेयर किया जाएगा। तो आप यह जानते हैं कि आपको कैसे इसमें शेयर का ऑप्शन मिलेगा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से 11 जून के बीच इंग्लैंड के अव्वल स्टेडियम पर खेला जाएगा। WTC 2023 का महामुकाबले के लिए दोनों टीमें इंग्लैंड में अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। WTC के फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के हाथों में कमान होगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मैच में भारतीय टीम का सामना वर्ल्ड के बेस्ट टीम के बीच फाइनल मुकाबला 7 जून से लंदन के अव्वल स्टेडियम पर खेला जाना है। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया, जबकि भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में उतरेगी। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले 2021 का भी फाइनल खेल चुका है भारतीय टीम, जिसमें कि भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से करारी हार का सामना करना पड़ा था। बात करें तो इन दिनों आमतौर पर ठंड का मौसम के साथ साथ बारिश भी होती है, ऐसे में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में बारिश होने का खतरा भी है। खराब मौसम को देखते हुए एक दिन 12 जून का रिजर्व डे रखा गया है। इस वक्त अमूमन अव्वल का तापमान लगभग 24 सेल्सियस से आसपास ही रहता है। अव्वल मैदान की पिच की बात करें तो बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस पिच पर बल्लेबाज आसानी से रन बना सकते हैं। इस पिच पर खेले गए कुल 105 टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 38 मैचों में जीत दर्ज किया, वहीं 29 में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीत हासिल किया, जबकि 32 मैच ड्रॉ रहा और एक मैच टाई हुआ था। इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए यहां गेंद फेंकना बहुत मुश्किल होती है, इसी वजह से कप्तान टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता। 32 मैच में ड्रॉ रहा है, जबकि बात करें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तो अब तक कुल 106 बार टेस्ट मैच में आमना सामना, जिनमें से भारतीय टीम 32 मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात दी है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम का 44 टेस्ट मैच में हराया है और 29 में ड्रॉ रहा है, एक मैच का बेपरिणाम रहा। अब WTC 2023 के फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम विनर होगी वो तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे कौन सा टीम जीतेगी। दोस्तों बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम का WTC 2023 के फाइनल, चलिए दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 और मैच का शेड्यूल और टाइम टेबल। दोस्तों चल बताते हैं आपको कि भारत का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से होने वाला है। रोहित शर्मा कप्तान, उसके साथ ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे शुभमन गिल, उसके बाद तीसरे नंबर पे चेतेश्वर पुजारा होंगे जो कि काउंटी क्रिकेट भी लगातार खेल रहे हैं। विराट कोहली इनफॉर्म बल्लेबाज, वहीं अजिंक्य रहाणे 5वें नंबर पे आएंगे, अक्षर पटेल 6वें, रविंद्र जडेजा 7वें, ईशान किशन 8वें, शार्दुल ठाकुर 9वें, मोहम्मद शमी 10वें और मोहम्मद सिराज 11वें। लेकिन दोस्तों ये कंफर्म 11 नहीं है। मेरे हिसाब से अगर कंफर्म 11 आप पूछोगे तो रोहित शर्मा कप्तान, उसके साथ शुभमन गिल, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, उसके बाद विराट कोहली, फिर 5वें नंबर पर अजिंक्य रहाणे, 6वें नंबर पर रविंद्र जडेजा, 7वें नंबर पे द बेस्ट ऑलराउंडर अश्विन, और वहीं पे 8वें नंबर पे दोस्तों बात करें तो फिर शार्दुल ठाकुर, वहीं 9वें नंबर पे बात करें तो मोहम्मद शमी, 10वें नंबर पे बात करें मोहम्मद सिराज, और 11वें नंबर पे दोस्तों कहीं ना कहीं उमेश यादव होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर यहां पे श्रीकर भरत खेलता है तो फिर शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव में से किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीकर भरत आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों बात करें वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग 11 का, तो डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, वहीं पे तीसरे नंबर पे मार्लर लबुसेन होंगे, वहीं 4थे नंबर पे स्टीव स्मिथ, 5वें नंबर पे टेविस हेड और 6वें नंबर पे कैमरन ग्रीन खेलते हुए नजर आएंगे, एलेक्स केरी द विकेट कीपर 7वें, पैट कमिंस कप्तान 8वें, मिचेल स्टार्क 9वें और स्कॉट बोलैंड 10वें और नाथन लियन 11वें प्लेयर के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच को लाइव कैसे देख सकते हैं। लाइव आप देख सकते हैं दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स के सारे नेटवर्क पे। आप अगर टीवी पे लाइव देख रहे हैं दोस्तों तो स्टार स्पोर्ट्स 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 पे भी आप लाइव देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सारे भाषा में आप लाइव देख सकते हैं। हिंदी में देखने के लिए आपको स्टार स्पोर्ट 2 और स्टार स्पोर्ट 1 पे आप अंग्रेजी में देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं पे अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो वो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी आप देख सकते हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे बिल्कुल फ्री नहीं है, वहां पे आपको चार्जेस देने होंगे। अगर आप वहां पे सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तभी आप मैच को देख पाइएगा। दोस्तों ये
मैच अब कितने बजे से खेला जाएगा वो भी बताते हैं। दोस्तों भारतीय समय अनुसार इस मैच में टॉस जो है वो 2:30 बजे होने वाला है और लाइव प्रसारण 3 बजे से खेला जाना है। दोस्तों आपको बता दें कि लाइव प्रसारण जो वो 3 बजे से होगा भारतीय समय अनुसार। दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय। आपको एक बात और बता दें दोस्तों कि आपके हिसाब से भारतीय प्लेइंग 11 कैसा होना चाहिए आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे खिलाड़ी सिलेक्ट हुए जिसने आईपीएल में बहुत चाल मजा के रख दिए थे। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल में जलवा बिखरने के बाद 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिसने आईपीएल के रंगारंग मंच पे इतना जलवा बिखेरा है कि उसको देखते हुए भारतीय टीम में उस 3 खिलाड़ी के शामिल होने से बहुत ही जान आ गया है। ये दोस्तों इस वीडियो में 11 भूखे शेरों की बात करेंगे जो टीम में शामिल हुआ है। दोस्तों आपको बता दें 7 से 11 जून को WTC का फाइनल खेला जाना जो कि द ओवल मैदान इंग्लैंड के मैदान में खेला जाना है जो कि काफी रोमांचक मैच होने वाला है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच राइवलरी मुकाबला तो बहुत देखे होंगे आप, लेकिन WTC के फाइनल में पहली बार भिड़ते हुए नजर आएंगे और दोनों के बीच कांटे का टक्कर देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तो राइवलरी देखने को मिलेगा ही, लेकिन 2021 के WTC के फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम ही था, लेकिन भारतीय टीम को विराट कोहली कप्तानी में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा आईपीएल में भले ही हार गया हो लेकिन WTC के फाइनल में हमें जीत जरूर दिलवाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम WTC के फाइनल जीते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों आप क्या चाहते हैं, इंडिया जीते या ऑस्ट्रेलिया, तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में इस बार मुंबई इंडियंस को आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता पाए, अब रोहित शर्मा के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में इतिहास रचने का मौका है। अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो रोहित टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली भले ही हार गया था लेकिन रोहित शर्मा नहीं हारेंगे। 16वें सीजन की समाप्ति के बाद क्रिकेट फैंस की निगाह ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बना हुआ है, फाइनल मुकाबले पर टिक गई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 7 जून से 11 जून के बीच खेला जाना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाना है। भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 है और ऑस्ट्रेलिया टीम दूसरे पायदान पर है। ऐसे में ब्लॉकबस्टर मुकाबले में काफी कांटेदार होने वाला है। उम्मीद है कि फाइनल मैच के लिए विराट कोहली समेत टीम इंडिया में कई खिलाड़ी प्रैक्टिस पर भी उतर चुके हैं। कप्तान रोहित शर्मा भी 30 मई मंगलवार को टीम के साथ जुड़ गए थे। वैसे भी रोहित शर्मा के लिए यह फाइनल मुकाबला काफी खास रहने वाला है। रोहित भले ही अपनी कप्तानी में इस बार मुंबई इंडियंस को आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता पाए हों लेकिन अब उसके पास WTC के फाइनल मैच में इतिहास रचने का मौका होगा। रोहित शर्मा फाइनल मुकाबले में अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया पर जीत दिलाते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन जाएंगे। इसके साथ ही वह चुनिंदा कप्तानों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में ICC ट्रॉफी जिताई है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी अपनी कप्तानी में भारत को कोई ICC खिताब नहीं जिता पाए थे, यानी रोहित शर्मा के पास बतौर कप्तान ICC ट्रॉफी जिताकर विराट को भी पछाड़ने का मौका होगा। फाइनल मुकाबले से पहले रोहित शर्मा की फॉर्म टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा सकती है। रोहित आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए 20-75 के एवरेज से 332 रन बना पाए थे। अब रोहित फाइनल मैच में उस नाकामी को भुलाकर बल्ले से भी दमदार खेल दिखाना चाहेंगे। रोहित के उलट सुमन गिल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों ने आईपीएल 2023 में शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा ने हालिया दिनों में काउंटी क्रिकेट में जमकर रन बनाया और वह इंग्लिश स्थितियों से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच जीतने पर भारतीय टीम को ICC ट्रॉफी जीतने का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। देखा जाए तो भारतीय टीम 10 सालों से कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। आखिरी बार साल 2013 में टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ICC चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, तब उसने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। उसके बाद टीम इंडिया काफी मौकों पर सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची लेकिन खिताब नहीं जीत पाई। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया को 2014 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, फिर ODI वर्ल्ड कप 2015 और T20 वर्ल्ड कप 2016 के सेमीफाइनल में भी भारत पराजित हुआ था। चैंपियन ट्रॉफी 2017-2019 के वर्ल्ड कप में भी भारत को ऐसे ही कुछ स्थिति रही थी। इसके बाद 2021 और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारत के लिए निराशजनक रहा था। वहीं 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इस वीडियो में वो 11 खिलाड़ी तो बताएंगे लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल को KL राहुल की जगह रिप्लेस कर दिया गया। हाँ जी हाँ दोस्तों आप सही सुने, यशस्वी जायसवाल को KL राहुल की जगह रिप्लेस इसलिए किया गया है। KL राहुल आईपीएल मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और उस चोट के कारण इतना गंभीर चोट लगा कि वो आईपीएल से बाहर हो गया और इस आईपीएल से बाहर होने की वजह से KL राहुल की जगह यशस्वी जायसवाल का बेहतरीन फॉर्म देखते हुए उसको टीम में सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि उसको प्लेइंग में खिलाना चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए और आप बताइए दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल को लेना सही है या गलत है। दोस्तों आपको बता दें कि KL राहुल का जगह तो वैसे रिप्लेस कोई नहीं ले सकता लेकिन यशस्वी जायसवाल एक यंगस्टर है, उसको मौका दिया है, वो तो एक बढ़िया काम किया। वहीं बात करें दोस्तों अजिंक्य रहाणे का, तो अजिंक्य रहाणे जिस हिसाब से आईपीएल में बल्लेबाजी किया है, अपना लोहा मनवाया, उसको देखते हुए लग रहा है कि बेहद ही सही डिसीजन है। दोस्तों इस बार का आईपीएल बेहद ही रोमांचक रहा और आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को चेन्नई सुपर किंग ने हरा करके अपना 5वां टाइटल जीता और उसके साथ ही मुंबई इंडियंस का बराबरी कर लिया। बतौर कप्तान MS धोनी रोहित शर्मा का बराबरी कर लिया। रोहित शर्मा भी 5 टाइटल जीत चुका है, वहीं पे MS धोनी भी 5 टाइटल जीत चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल में आपका कौन कौन फेवरेट खिलाड़ी रहा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस आईपीएल में विराट कोहली, सुमन गिल,
ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कोनवे और यशस्वी जायसवाल जैसे सितारे से सजी हुई आईपीएल रहा और ये सारे स्टार खिलाड़ी अपने कहर बरपाते हुए नजर आए, अपना जलवा बिखरते हुए नजर आए। वहीं पे कुछ ऐसे भी बल्लेबाज थे जैसे कि अजिंक्य रहाणे, जोस बटलर और कुछ चुनिंदा बल्लेबाज थे जो कि आईपीएल में अपना जलवा बिखरते हुए नजर आए थे। जैसे अंडरडॉग खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर, रिंकू सिंह और राशिद खान जैसे भी बल्लेबाज थे। दोस्तों आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे का 2.0 वर्जन भी इसी आईपीएल में नजर आया। दोस्तों आपको एक बात और बता दें, और कुछ बड़े बल्लेबाज ऐसे भी रहे जिसका बल्ला बेहद खामोश रहा था। दोस्तों वो बल्लेबाज में रोहित शर्मा और कप्तान एमएस धोनी भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि चलिए इस वीडियो में आपको प्लेइंग 11 बताते हैं और प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से होने वाला है। दोस्तों डब्ल्यूटीसी के फाइनल में कुछ इस प्रकार से आपको प्लेइंग 11 देखने को मिल सकता है। रोहित शर्मा कप्तान, उसके साथ सुमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे जो कि आईपीएल में काफी कहर बरपाया था और आईपीएल में अपना हर तरफ जलवा भी गहरा था। वहीं पे बात करें दोस्तों तीसरे नंबर पे तो चेतेश्वर पुजारा आएंगे जो कि क्वांटी क्रिकेट में अपना काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और वहां का सभी लोगों को खुश कर दिया, बीसीसीआई भी इससे काफी खुश है। वहीं बात करें दोस्तों चौथे नंबर पे तो विराट कोहली, धरण मशीन आएंगे जो कि आईपीएल में अपना जलवा बरकरार रखा था और इतना जलवा बिखेरा उसको देखते हुए लग रहा था ये कहीं पुराना खिलाड़ी नहीं है, ये नया लड़का खेल रहा है। वहीं पे बात करें दोस्तों पांचवें नंबर पे तो अजिंक्य रहाणे आएंगे जो कि उसका इस आईपीएल में काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा है और अजिंक्य रहाणे 2.0 भी नजर आया। वहीं बात करें दोस्तों छठवें नंबर का तो छठवें नंबर पे केएस भरत द विकेट कीपर आएंगे। वहीं बात करें दोस्तों सातवें नंबर का तो रविचंद्रन अश्विन आएंगे। वहीं बात करें दोस्तों आठवें नंबर का तो सर रविंद्र जडेजा आएंगे जो कि आईपीएल के फाइनल में लास्ट के दो गेंदों में एक चौका और एक छक्का लगा करके चेन्नई सुपर किंग को मैच अपने दम पे जितवाया था। वहीं बात करें दोस्तों आठवें नंबर का तो आठवें नंबर पे शार्दुल ठाकुर आएंगे जो कि काफी बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों नौवें नंबर पे तो मोहम्मद शमी आएंगे जो कि मोहम्मद शमी काफी बेहतरीन गेंदबाजी किया इस आईपीएल में, पर्पल कैप होल्डर रहा है। और बता दें आपको दोस्तों कि वहीं बात करें दसवें नंबर पे तो मोहम्मद सिराज आएंगे जो कि इस आईपीएल में काफी बढ़िया बॉलिंग किया। वहीं बात करें दोस्तों ग्यारहवें नंबर का तो उमेश यादव आएंगे और उमेश यादव काफी बेहतरीन बॉलर है, भले इस आईपीएल में ना चला हो लेकिन वो काफी शानदार बॉलर है। दोस्तों आपको बता दें कि स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में यशस्वी जायसवाल, मुकेश कुमार और सूर्य कुमार यादव भी शामिल है। और एक बात बता दें दोस्तों कि ये स्टैंड बाय खिलाड़ी जो होता है वो अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो उसके जगह पे ये रिप्लेस कर दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें और भी खिलाड़ी शामिल है जैसे कि अक्षर पटेल हो गए, जयदेव उनादकट हो गए, लेकिन ईशान किशन हो गए, लेकिन ये लोग को बतौर रिजर्वेशन के तौर पर रखा गया। ये लोग को टीम में शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।